कानपुर के गोविंद नगर दादा नगर में बीती 10 दिसंबर को ठेकेदार के साथ हुई 4 लाख की लूट का आज पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी हुई 3,98,000 की रकम और लूट की वारदात में इस्तेमाल हुई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की। खुलासा करते हुए सीओ गोविंद नगर वीके पांडे ने बताया, चाय कंपनी में ठेकेदार कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बैंक से पैसे निकालकर जा रहा था। उसी दौरान लुटेरे ने उनके स्कूटी में टक्कर मारकर गिरा दिया और रुपया से भरा हुआ बैग लेकर 3 लुटेरे फरार हो गए। एक लुटेरा जल्दबाजी में पब्लिक के हत्थे चढ़ गया था। 2 दिन पूर्व 3 लुटेरे गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। कल देर रात पुलिस ने मुख्य फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। पुलिस ने ठेकेदार से लूटी हुई 4 लाख की रकम बरामद कर ली है। ये 2 दिन पूर्व जो है एक संजय जी है वो मोहनी चाय है उसमें लेबर का कॉन्ट्रेक्टर है। उनमें वो HDFC बैंक से पैसा लगभग 3,98,000 रुपये निकाल के जा रहे थे तो 4 लुटेरों द्वारा उनका पीछा करके रैकी करके उनको टक्कर मार करके पैसा लूट के भाग गए थे। जिस संबंध में एक दिन पहले जो है 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी और उसमें जो मुख्य आरोपी था वो आकाश में फरार था। आज सुबह जो है क्योंकि घेराबंदी चल रही थी वो तीनों अभियुक्त पहले से गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और लूट का जो 2,42,000 रुपये था वो बरामद था। शेष जो धनराशि थी 1,53,000 इस आकाश से आज सुबह 7 बजे उसकी गिरफ्तारी से जो है पैसे रिकवर किए गए हैं और लूट की घटना का जो मुख्य आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हुई। ये इसमें विशेष बात यह है कि ये व्यक्ति जो है पहले उसी जो लेबर कॉन्ट्रेक्टर थे उन्हीं के उसमें जो है ये काम करता था और 3 महीने पहले उसने वहाँ से छोड़ा था जिससे उसको पूरी जानकारी थी और उसको पता था कि 10 तारीख को जो है कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती है और उस तनख्वाह को जो है अपने मतलब घर से इसीलिए उनकी बैठी करके पीछा करके पूरा प्लान करके जो है ये घटना का अंजाम दिया था। उसी दिन लुटेरे थे या अब मजबूरी का कोई रोया नहीं सब जो है तो उसमें मैकेनिक है कोई ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। अब जल्दी जो है पैसा कमाने और इन सब चीज़ों की जो बुरी लतें हैं उसके कारण इन लोगों ने जो है अंजाम दिया था। इंडियन प्राइम न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट।